हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाला गया है आपका SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपको बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, तो इसमें ये रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम, क्या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, साथ में जानेंगे कितना आपको स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं वीडियो सुनने का पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वैकेंसी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है। और मैं ये बातें वीडियो शुरू होने का पहले इसलिए बता दें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमें बोलते हैं कि आप वीडियो शुरू होने के पहले ही ये बातें यहाँ पे क्लियर कर दीजिए ताकि उनका समय यहाँ पे व्यर्थ ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और उसके पहले अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके जाइएगा, साथ में वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर करके उनका भी आप हेल्प कीजिए। बाकी ये देख लेते हैं, 10/11/2021 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, साथ में डिप्लोमा अप्रेंटिस और ITI के लिए इसमें सीट आपका निकाला गया है। आप देख लीजिए अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग आपका विषय में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आपके लिए निकाला गया है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इन किसी ब्रांच में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें वित्त एवं लेखा में, तो इसमें आपके पास 2 साल का MBA मांगा गया है और इसमें 3 सीट है। और उसके बाद यहाँ पर मानव संसाधन में भी आपका यहाँ पे 2 साल का MBA होना चाहिए। उसके बाद CSSR में आप देख लीजिए, इसमें भी किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास सामाजिक कार्य और साइंस में स्नोकोत्तर इसमें मांगा गया है। और औद्योगिक सुरक्षा में आप देख लीजिए इंजीनियरिंग मांगा गया है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इसमें डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे आपके पास औद्योगिक सुरक्षा है, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत आपके पास यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। बाकी पर्यावरण इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आप देख लीजिए, पर्यावरण इंजीनियरिंग में यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग और पर्यावरण साइंस में 2 साल का पूर्णकालिक स्नोकोत्तर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। IT और कंप्यूटर साइंस के लिए जिसमें केवल 1 सीट है, इसमें आपके पास यहाँ पे बी या अगर आपने BTEC किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या MCA वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, या उसके अलावा आपके पास DOE CCB स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद इसमें टोटल अगर ग्रेजुएट बात करें तो आपका 20 इसमें सीट आपका निकाला गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस में देख लीजिए, तो डिप्लोमा अप्रेंटिस में जो ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें सिविल और उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन और IT और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार के लिए इसमें आपका निकाला गया है। अगर आपने इन किसी ब्रांच में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सीट आप इसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग में, तो इसमें केवल 1 सीट है, इसमें आपको AICTE एवं राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। वित्त एवं लेखा में आप देख लीजिए 4 वैकेंसी है, इसमें आपके पास यहाँ पे MCOM या AICTE या राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे वित्त एवं लेखा में डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। तो इसमें यहाँ पे जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से उनके लिए भी इसमें सीट है। और यहाँ पे मानव संसाधन यानी कि HR में 3 वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन आपका कर्मी एवं मानव संसाधन प्रबंधन में 2 साल का यहाँ पे पूर्णकालिक स्नोकोत्तर डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। औद्योगिक सुरक्षा के लिए 1 सीट है, इसमें औद्योगिक सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा मांगा गया है, अथवा यहाँ पे इंजीनियरिंग की किसी भी विधा में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, साथ में औद्योगिक सुरक्षा में 1 वर्ष ये डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपका जो भी ये ब्रांचेज है नॉन टेक्निकल का, उनका भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका कुछ अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है, बाकी डिप्लोमा वाले ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद ITI के लिए देख लीजिए, तो ITI में जो यहाँ पर ट्रेड एलिजिबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, रिंगर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, AC और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर, सिविल वर्क्स मेसन और यहाँ पर लेखा सहायक और कार्यालय सहायक के लिए इसमें आपका सीट निकाला गया है। तो इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक जो आपका सीट है, यानी कि जो आपका यहाँ पे सिविल वर्क्स मेसन में, तो अगर आप यहाँ पे 1 से लेकर आपका जो यहाँ पे 10 तक जो ट्रेड है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका इन ट्रेड में किसी एक ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। और जो यहाँ पे सीट बचता है आपका लेखा सहायक और कार्यालय सहायक के लिए, इसमें यहाँ पे लेखा सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे वणिज्य में आपके पास यहाँ पे स्नातक की डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। उसके बाद कार्यालय सहायक में आपके किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास यहाँ पे स्नातक की डिग्री अथवा यानी कि MBA अगर BBA आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और उसके बाद इसमें कुल आपका 50 सीट हो जा रहा है ITI के लिए। तो इस तरह से टोटल जो ग्रेजुएट ITI और साथ में जो डिप्लोमा मिला के आपके टोटल 100 सीट यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद इसमें अगर बात करें आयु सीमा के लिए, तो आपका 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो भी छूट होगा वो सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एक और कंडीशन है कि 2019, 2020 और 2021 के पास आउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले जो भी कैंडिडेट पास है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया अगर आपने इसके पहले कहीं अप्रेंटिस वगैरह किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 साल या उससे
अधिक का अनुभव है तो अभी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे दो पोर्टल दिया गया है, एक तो mhrdnit.gov.in और एक आपका apprenticeshipindia.org। जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो यहाँ पर apprenticeshipindia.org है, बाकी जो ITI और जो नॉन टेक्निकल से हैं उनको यहाँ पर इस पोर्टल पर apprenticeshipindia.org पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद से ही आप इसे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी स्टाइपेंड वगैरह देख लीजिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएट में आपको 10,000, डिप्लोमा के लिए 8,000 और ITI के लिए आपको 7,000 स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आपका किस प्रकार का सिलेक्शन होगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई आपके रिटर्न यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। जो भी सिलेक्शन होगा आपके मेरिट बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे मैट्रिक यानी कि 10वीं और ITI पाठ्यक्रम और डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी आपने यहाँ पे स्नातक डिग्री वगैरह कंप्लीट किया उसी के अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और देखिए मेरिट सूची जो आपका किस तरह से तैयार किया जाएगा, किस आपका क्वालिफिकेशन का कितना वेटेज है आप देख लीजिए। अगर स्नातक से अगर आप अप्लाई करते हैं यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो 10वीं का 20% यहाँ पर लिया जाएगा, और उसके बाद अगर 12वीं या डिप्लोमा आपने किया है जो भी आपका यहाँ पर सबसे हायर होगा उसका आपको 20% लिया जाएगा। इस तरह से 20-20-40 ये हो गया, और 40 और 60% जो बचता है वो आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड से आपका लिया जाएगा। बाकी जो डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा में आपका 30% तो 10वीं का लिया जाएगा, और बाकी जो 70% बचा वो आपका इंजीनियरिंग में जिस भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा किया होगा ब्रांच में उसका आपका वेटेज रहेगा। बाकी ITI के लिए भी सेम वही है, 30% आपका 10वीं का और 70% आपका ITI ट्रेड का रहेगा। तो इस तरह से आपका 100% यहाँ पर आपका इस पर 100 आपका ये मेरिट यहाँ पर बनने वाला है। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन होगा। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट भी यहाँ पे भेजना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको वहाँ पे इसके जो यहाँ पे SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में यहाँ पे आपको यहाँ पे बनवाना होगा, और उसे आपको अटैच करके आपको सेंड करना होगा। मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट एक आपको दिखा दूंगा, वही एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको भर कर और वहाँ पे आपको भेजना होगा। उसके अलावा जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और PWD कैंडिडेट ये सब है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। बाकी वो यहाँ पे फ़ी आपको पे यहाँ पे करना होगा 100 रुपये, इसके पक्ष में आपको डिमांड ट्रैफिक बनाना होगा। बाकी आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसे आपको प्रिंट करा लीजिएगा, और आपको अच्छी तरह से साफ हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर भरना होगा। एक साइड में फोटोग्राफ चिपकाना होगा, यहाँ पर आप नाम लिखिएगा अपना, और जो आपका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप जो डिग्री डिप्लोमा से इंजीनियरिंग की है उनको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसे नेट भी बोलते हैं, जो NETS है उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, और बाकी जो कैंडिडेट है ITI है या जो भी नॉन टेक्निकल से है उनको NAPS पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर उनका नंबर भरना होगा। बाकी आवेदन का नाम, पिता का नाम और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरना होगा। बाकी डोमिसाइल आप कहाँ से हैं, क्या पता है, सभी डिटेल आप भरेंगे, कोर्स कॉलेज कितना आपका मार्क्स वगैरह है, यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही दीजिएगा, और एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो अच्छी तरह से आवेदन आप भरिएगा, और उसके बाद से इसमें बताया गया है कि आपको कहाँ पे इसे भेजना होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रंगीन पासपोर्ट साइज आकार का फोटो के साथ निम्नलिखित प्ररूप में अपने आवेदन को एक लिफाफे में स्पष्ट रूप से एक लिफाफा आपको लेना होगा, उसमें यह सब भर के आपको भरना होगा, और जो लिफाफे के ऊपर आपको एक यहाँ पे भरना होगा जिसमें दिया गया है निर्धारित ट्रेड या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है स्नातक डिप्लोमा ITI उसका फॉर्म के ऊपर आपको इंगित करना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आपको जो यहाँ पे एड्रेस है आप देख लीजिए, प्रमुख यहाँ पे SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, नौदुर कम्प्लेक्स, अम्बेडकर चौक, बक्सर, पिन कोड आप देख सकते हैं 8802103। तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस है, अच्छी तरह से एड्रेस आप देख लीजिएगा, और बढ़िया से इस एड्रेस को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा साफ साफ, ताकि यहाँ पे पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो, और 10/11/2021 तक आपको इसे सेंड करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट ना करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर कर इसे जल्द से जल्द जो है डिमांड ड्राफ्ट बना के आप इसे भेज दीजिए। और बाकी दिया गया कि उम्मीदवार अपना आवेदन जो है अंतिम तिथि से पूर्व जो है जो यहाँ पे आपका SJVN के बक्सर या चौसा कार्यालय में भी जाकर जमा कर सकते हैं हाथों हाथ, और बाकी अगर अंतिम तिथि के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए 1/10 से यहाँ पे शुरू हो चुका है, और 10/11 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम में ग्रुप पर मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसे आप जाके प्रिंट वगैरह करा लीजिए भर के, और जो भी फोटोग्राफ वगैरह चिपका के आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ में अटैच करके लिफाफा में आप डाल के, और लिफाफे के ऊपर अपना ट्रेड वगैरह सभी मेंशन कर दीजिएगा, एड्रेस भी लिख दीजिएगा, और एक साइड अपना एड्रेस और एक साइड जहाँ आप भेजेंगे उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा।
और आप इसे जो भी एड्रेस दिया है आप यहाँ पे भेज सकते हैं। मैं कोई डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको करूँगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी हमारे टेलीग्राम में ग्रुप को आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी समय नहीं मिल पाता है मैं वहाँ पर वीडियो आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेल है बर्नपुर का, अगर आपने फॉर्म फिल किया था ACT OCT का, तो उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो जाइए उसका लिंक आपको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके आप उस एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।